फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नार्कोटिक्स ब्यूरो की ओर से इस मामले का ड्रग एंगल खंगाला जा रहा है। बीते दिन एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस से काफी सामान मिला था, जिसके बाद अब जांच और तेज कर दी गई है। इस बीच जो बोटमैन सुशांत, रिया और उनके दोस्तों को फार्म हाउस और आयरन तक ले जाता था, उसने एनसीबी को अपना बयान दिया है, जिसमें कई बातों का खुलासा किया है। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास, जो कि पावना डैम में 2011 से मोटर बोट चला रहा है, उसने दावा किया है कि सुशांत और उसके दोस्त लगातार आइलैंड पर जाते थे। एनसीबी को दिए बयान पर जगदीश ने कहा कि वह खुद की मर्जी से ये बयान दे रहा है। एनसीबी को दिए बयान के मुताबिक साल 2018 में अब्बास और रमजान अली ने मुझे फोन पर बताया कि मुझे पावना डैम घूमने की जरूरत है, इसलिए जरीन खान के बंगले पर बुलाया है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत और अब्बास अली मेरे बोट पर आए और डैम के बीच में गए और तैराकी किया। बयान में जगदीश ने कहा कि जब उनके वापस किनारे पर लाया गया तो 16,000 रुपए मिले थे। उसके बाद भी वो लोग कई बार पवाना के पास आते थे और आपत्ति गवंडे टापू पर कुछ वक्त बिताते थे। जगदीश ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ यहाँ पर सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर आदि थी। हालांकि तीनों एक साथ कभी नहीं आए। बोटमैन ने बताया कि सुशांत यहाँ पर काफी वक्त तक बैठते थे, वो लोग टापू पर जाकर पार्टी किया करते थे। दावा किया गया है कि सुशांत के साथ सारा अली खान, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक जैद, रिया और श्रद्धा कपूर आते थे। यहाँ पर काफी पार्टी हुआ करती थी, जिसमें दारू गांजे का इस्तेमाल होता था। हालांकि बोटमैन ने किसी की भी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी होने का दावा नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत अपने फार्म हाउस के लिए हर महीने 2.5 लाख रुपए का भुगतान करते थे। जांच टीम को यहां से छापे के दौरान हुक्का पीने वाला पॉट मिला है, जिसे बर्ड और गांजा पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहां से कई दवाइयां, ऐश ट्रे सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। सुशांत अक्सर यहां पार्टीज करते थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा सहित अन्य लोग शामिल होते थे। इसके अलावा पावना डैम पर बने टापू पर भी पार्टी होती थी। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक यहां सारा अली खान 4 से 5 बार आई थी। इसके अलावा एक अन्य अभिनेत्री भी आई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।